हेलो फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम है हैंडलिंग डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स को हैंडल करना, हैंडल का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। C++ में, C++ लैंग्वेज में इंफॉर्मेशंस को, वर्ड्स को, इन सबके कलेक्शन को फाइल्स के रूप में, रिकॉर्ड्स के रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। C++ लैंग्वेज में जो एक लैंग्वेज है वो इंटरेक्शन किससे कर रही है? रिकॉर्ड से इंटरेक्शन कर रही है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो आज हम देखेंगे कि C++ लैंग्वेज किस तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस को फाइल्स में राइट करती है, फाइल्स में राइट करती है। इसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, C++ का प्रोग्राम। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, फर्स्ट हेडर फाइल ये लिखी जाती है C++ में। देन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, लिखते हैं अपन एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जब यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? वॉइड मेन। अभी हम C++ में क्लास और क्लास का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्लास कौन सी बनाएंगे? फाइल्स के क्लास देखेंगे अभी हम, क्योंकि हम प्रॉब्लम ही क्या है हमारी, डेटा फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन डेटा फाइल्स को हम क्लास के थ्रू देखेंगे। ओके, अभी C++ में हम विदाउट क्लास वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। वॉइड मेन लिख दिया हमने, इसके बाद क्या आ जाता है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद क्या आता है? वेरिएबल्स बनाते हैं हम। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बना दिया, इंटीजर टाइप का, एज नाम का वेरिएबल बना दिया, जो वैल्यू को लेगा, वेरी होगी वैल्यू, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? वेरिएबल। उसके बाद हम पीसी के थ्रू क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट, एक सी इन लिखना पड़ता है। ओके, सी इन हमें किसे करा रहे हैं? एज को। इंटरनली चल रहा है, इसमें इंटरनली क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडा चल रहा है, बट मैंने क्लास नहीं बनाई है अभी। जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच है। सी आपकी कैसी थी? टॉप डाउन अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि इसमें क्लास पहले रीड होती है, वॉइड मेन बाद में कॉल होता है। क्लास इंटरनली चल रही है, बैकएंड में चल रही है, बट अभी हम एक्सटर्नली क्लास डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीन ऑब्जेक्ट हो रहा है, इंटरनली यूज हो रहा है। क्लियर है ना ये तो आपको? सीन इज, अब आउटपुट स्क्रीन पे देखना है, ह्यूमंस इसे देखना चाहते हैं कि एज हमने जो इनपुट कराई है, कंप्यूटर ने मशीन कोड में चेंज करी है, अब इसे हाई लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन रीडेबल बना रहे हैं। इसके लिए हम क्या सिंटैक्स लिखते हैं? सी आउट एज। ओके, देन लास्ट में क्या फंक्शन लिख देते हैं? गेट सी एच। यही होता है आपका एक सिंपल प्रोग्राम, एक सिंपल प्रोग्राम यही होता है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस, एज लिखा, सी इन एज, सी आउट एज, गेट सी एच। ओके, लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसे कह रहे हैं K
कि ये सिंटैक्स है, जैसे अदर सब्जेक्ट्स में क्या कहा जाता है फॉर्मूले, तो ये सी प्लस प्लस की क्या है, फॉर्मूले हैं। एक मशीन है वो ह्यूमंस के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है जिससे काम फास्ट हो सके, इसी काम को हमको बार बार लिखना ना पड़े। जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो हम कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर लेंगे और हमें आउटपुट मिल जाए। लेकिन अब यही लैंग्वेज क्या कर रही है, फाइल्स क्रिएट कर रही है, रिकॉर्ड्स बना रही है, वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो अब हमें इसे क्या चेंजेस करना होगा कि ये लैंग्वेज एक फाइल बना दे, फाइल में डेटा स्टोर कर दे, एक ऐसा डेटा स्टोर कर दे जिसे हम यदि सेकेंडरी यूज़ करना चाहते हैं, परमानेंटली हम उसे परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं, उसे बार बार कॉल करके हम उसे रीयूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डेटा फाइल्स का। तो डेटा फाइल के लिए हमें क्या एक नया फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उस हेडर फाइल का क्या नाम होगा, एफ स्ट्रीम डॉट एच। ये हेडर फाइल क्या है, एक तरह की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज होती है, जो क्या करती है, कुछ फंक्शनिंग करती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रखती है, कलेक्शन ऑफ बुक्स फाइल्स रखती है, जिसे जब चाहे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज में हम कैसे एक्सेस करेंगे इसे, ऑब्जेक्ट की तरह, एस लाइब्रेरीज में कोई ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू ही हमें उन रिकॉर्ड्स को और फाइल्स को एक्सेस करना होगा, हम जाके डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने, जो बाजार ने स्ट्राउट्रप सी प्लस प्लस के इन्वेंटर हैं, उन्होंने भी एक लाइब्रेरी बना दी है जिसके थ्रू हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, एफ स्ट्रीम फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो अब हमको इसमें क्या चेंजेस करना होगा, हमने एफ स्ट्रीम एक लाइब्रेरी फाइल बना ली, अब इस फाइल्स में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। ओके, एफ स्ट्रीम में क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। ओके, कलेक्शन ऑफ क्लास है, तो हमने ये क्या इंक्लूड करी है, किसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, एफ स्ट्रीम डॉट एच, एक नई हेडर फाइल इंक्लूड करी है, इसमें कलेक्शन ऑफ क्लास है। हमें अब वॉइड मेन में एक क्लास लिखेंगे जो ऑलरेडी है बैकहेंड में, बट अब हम फ्रंट हैंड में क्लास को दिखा रहे हैं, फ्रंटली दिखा रहे हैं। ऑफ स्ट्रीम एक क्लास बना दी, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, एफ आउट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, एफ आउट। ओके, सब आप देख रहे हैं एफ इसलिए डिनोशन कर रहे हैं जिससे ये यूजर फ्रेंडली हो जाए। एफ मीन्स फाइल, स्ट्रीम मतलब धारा, तो ये डेटा की धारा है सी प्लस प्लस में, जैसे जल धारा होती है इसी तरीके से डेटा की, फाइल्स की धारा है। उसकी लाइब्रेरी फाइल के थ्रू हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया ओ एफ स्ट्रीम, यानी आउटपुट के लिए, ओ यानी आउटपुट, एफ यानी फाइल, स्ट्रीम यानी धारा, और एक ऑब्जेक्ट बना दिया आउट आउटपुट, एफ यानी फाइल। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम इस टाइप से नाम दे रहे हैं जिससे यूज़र्स को समझ में आ सके। ये ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट मैंने क्या बना दिया, ये क्लास बना दिया और ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल करूँगी, फाइल को ओपन करूँगी और उसमें आउटपुट दूंगी, राइट करूँगी। ओके, उसमें राइट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एफ आउट। ऑब्जेक्ट के बाद फाइल को एक्सेस करने के लिए, फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है। डॉट कौन सा फंक्शन बना रही हूँ मैं, ओपन, ओपन फंक्शन बना लिया, फंक्शन के आगे
ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होते हैं, उस फंक्शन में मैं फाइल का नाम लिखूंगी जो मैं बनाना चाह रही हूँ। एज को, एज नाम का हमने वेरिएबल लिया, इसलिए मान ह्यूमन रीडेबल फ्रेंडली बनाने के लिए मैं फाइल कौन से बनाती हूँ, एज फाइल डॉट टीएक्सटी। फाइल बनाने का एक्सटेंशन क्या होता है, टीएक्सटी, इसको इन्वर्टेड कॉमास पे बंद कर देते हैं। ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला है, सिंटैक्स है, क्लियर है। ये रहेगा वेरिएबल, हमने एज बनाया है, ह्यूमन से ह्यूमन ने इनपुट करा है कंप्यूटर्स में, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट कराते हैं, एज लिख दिया हमने। लेकिन अब हम इसे फाइल में देखना चाहते हैं, फाइल में देखना चाहते हैं ना, हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू हमने फाइल अटैच करी है, तो उसमें देखना चाहते हैं, तो एक और फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एफ आउट एज। सी आउट एज तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा है, बट एफ आउट कंप्यूटर पे तो दिखाएगा, बट एक फाइल में दिखाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स में दिखाएगा, कंप्यूटर की में जो बाय डिफ़ॉल्टली बना हुआ आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स बने हुए आते हैं उसमें भी दिखाएगा ये, ठीक है। एक अलग से इसकी मेमोरी क्रिएट हो रही है और ये फाइल से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज फाइल के साथ इंटरेक्शन करवा रही है, क्लियर है। अब ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया है, देख रहे हैं, ये आपका ब्लू स्क्रीन जो होती है, आपकी ब्लू कंप्यूटर स्क्रीन होती है सी प्लस प्लस की, यानी टर्बो सी की, टर्बो सी ही है ये। सी प्लस प्लस क्या है, सी है, उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशिव वर्जन है, ठीक है। तो आपकी ये एक विंडो क्रिएट हो गई, इस विंडो में लिखते हैं हम, अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम, कंपाइल कराएंगे, ओके, कंपाइल कराएंगे, देन एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इस स्क्रीन पे आपके क्या होता है लिखा हुआ, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ होता है, होता है फाइल, देन एडिट, ये मेन्यूज़ बने हुए होते हैं फाइल में, ये हम न्यू करके एक विंडो में लिख रहे हैं। इसी फाइल पे आप जब क्लिक करेंगे, इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्या ओपन होता है, एक फाइल पे आपने क्लिक किया तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, उसमें क्या लिखा हुआ होता है, डॉस शेल, ठीक है, डॉस शेल, एक आपकी डॉस की विंडो होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, क्या ओपन हो जाएगी, एक अनोदर विंडो ओपन हो जाएगी डॉस की, उस पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, सी बैकस्लैश टर्बो सी, सी ड्राइव में है ये, और क्या है ये, टर्बो सी है, इसके बिन फोल्डर में आप एंटर करेंगे तो आपकी, आपने जो ये फाइल बनाई है, कौन सी फाइल बनाई है आपने, एज फाइल, एज फाइल बनाई है आपने, एज फाइल डॉट टीएक्सटी बनाई थी हमने, तो आपकी एज फाइल लिखा हुआ आ जाएगा और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, टीएक्सटी। इससे हमें पता चलेगा हमारी फाइल बन चुकी है, लैंग्वेज का इंट्रैक्शन हो चुका है। अब इस फाइल में हमने एज इनपुट करी है, हम उसे देखना चाहते हैं, तो एक और कमांड देंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, एक कमांड देंगे, एक सिंटैक्स होगा क्या, सी ड्राइव में बैकस्लैश टर्बो सी बैकस्लैश बिन बैकस्लैश, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, टी वाई पी ई टाइप एज फाइल डॉट टी एक्स टी, जो हमने फाइल बनाई थी, इसके बाद आप एंटर करेंगे, आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने एज फीड करी, मान लीजिए आपने इधर सी इन में एज क्या दे दी, 20 दे दी, एक्स वाई जेड मान लीजिए 20 दे दी, तो यहाँ आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 20 लिखा हुआ आ जाएगा।
इसका मतलब क्या है, अपना सी प्लस प्लस का इंटरेक्शन किससे हो गया, डेटा फाइल से। तो ये हैंडलिंग डेटा फाइल्स है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो सी प्लस प्लस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से इंट्रैक्शन कर रहा है। इसके लिए हमने एक नई हेडर फाइल बनाई है, एफ स्ट्रीम। उस एफ स्ट्रीम में ओ एफ स्ट्रीम एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, मान लीजिए एफ आउट बना दिया। उस एफ आउट के थ्रू हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इनपुट दे रहे हैं, और फाइल में राइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हैंडलिंग डेटा फाइल्स होती है। ये हैंडलिंग डेटा फाइल्स होती है। थैंक यू।